आप अपने लीडर की कसम उठा के कह सकते हैं वो करप्ट नहीं है? मैं किसी लीडर की भी कसम नहीं उठाऊंगा सर। आप अपने लीडर की कसम उठा सकते हैं वो करप्ट नहीं है? मैं कसम भी खाता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे बेटे मिले, 10 मिले 10 हो इमरान खान जैसे हो, 10 मिले 10 इमरान खान जैसे हो। बोधराम वोट किसका है? इमरान खान। इमरान खान का जी सर। भाई कभी इंटरव्यू लो अंदर। जी 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 कहाँ पर है वो? अंदर उनका भी लेते हैं जी। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आएंगे जनाब। मोहतरम अजीज अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जनाब आला वोट किसका है? भाई इसके काबिल, इसके अलावा कोई और आपको नजर आ रहा है? इमरान खान के अलावा कोई और नजर आ रहा है तो मैं बता दे आपका लास्ट वोट इमरान खान को है। लास्ट भी है और जब तक जिंदा हूँ इसके अलावा किसी और को वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये गुनाह के जुमरे में आ जाएगा अगर इसके अलावा किसी को हम वोट दें तो। इमरान के अलावा अगर किसी को वोट देंगे तो वो गुनाह के जुमरे में आ जाएगा। हाँ जी, आगे चलेंगे। आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और इंशाल्लाह वोट इमरान खान का है। इमरान खान का, रब्बे काबा की कसम वोट इमरान खान का है। उसने ऐसा शऊर हमें दे दिया है कि हमें पता ही नहीं था। आज से पहले हमें कोई कहता था कि धांधली होती है। वोट सिर्फ इमरान खान का, जान अल्लाह की वोट इमरान खान का। नाज़रीन इकराम, पूरे मुगलपुरे में इस वक्त मैं आपको घूम के दिखा रहा हूँ, इमरान खान के नाम बज रहे। इमरान खान का वोटर बैंक बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा इमरान खान का वोट बैंक है। मोहतरम वोट किसका है? वोट तो यार नवाज शरीफ का ही है, लेकिन नवाज शरीफ को जो है थोड़ा सा ये भी समझाओ ना मेरे भाई के हमारा इतना खून चूस लिया है, अब तो लाइन पे आ जाए। वोट तो हमने शुरू से नून लीग को ही डाला है। मतलब खून आपका चूस लिया, सब कर लिया, फिर भी वोट यार क्या करें फिर मेरे भाई? और कौन है बंदा देख ले को, आप खड़े हो रही है आपको डाल देते हैं कि हमें क्या सहूलत है, हमें क्या सहूलत मिल रही है? बस मोहतरम की मेरा लीडर गलत है लेकिन वोट उसी को डाले। ये तो वही बात होगी का चोर भी और डालना भी है कोई उसके अल्टरनेट, तो फिर किसको डालें वोट? आप खड़े हो जाएं इमरान खान, इमरान आपको डाल देते हैं। एक ब्रांड है इमरान, नून लीग वालों ने ट्वीट बंदा ठीक है, उसके साथ के बंदे ने ठीक है, इमरान खान खुद नून लीग। अच्छा आप भी मानते हैं? मैं खुद मान रहा हूँ इमरान खान के हद तक ठीक है, बाकी उसको नीचे जो आपने देखा सारे इधर उधर चले। ये बात तो हम भी मानते हैं। नून लीग वालों ने ट्विटर पे भी करवाया एक पोल जी, उन्होंने करवाया तो आप बताए 16% को वोट डाले, 81% इमरान खान को डाले। इमरान खान को ये लोगों के दिलों में से नहीं निकाल सकते। क्या थी नंबर 804 वो है तो हम भी 804 ही हैं। आप भी 804 ही हैं? हाँ जी। क्या बात है, सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान पे नून लीग ने जो डाका डाला खत्म नबूवत के, कादियानियों को बहन भाई इन्होंने कहा नून लीग वालों ने। इमरान खान के हद तक ठीक है। मुझे एक बात बताइएगा, आज दीवारों पर एक बंदे की तस्वीर प्रिंट हो रही है फलस्तीनियों के, वो कौन है? इमरान खान। इमरान खान मैंने आपको बताया इमरान खान के हद तक वो बंदा ठीक है। वो पाकिस्तान का नहीं, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तैयब उर्दगान उसको जफियां डालता, पपियां करता, वो क्यों करता है? इसलिए करता है, उसको पता है कि इस बंदे की कदर है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब शुरू किया अपनी रैली, उसने आज ही कहा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मैन था, हैंडसम था, और वो पाकिस्तान का फिर बाद में बॉस बन गया। तो ये एक नाम है, इसको कैसे खत्म करेंगे मुझे तो नहीं समझ में आती। आगे चलेंगे जी। मोहतरम पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, आप भी पढ़ लिख कर रहे हैं, मुझे बताइएगा वोट किसका है? वोट सिर्फ इमरान खान का है। सिर्फ इमरान, और कोई है ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है। मैं कहता हूँ आंखें बंद करके, अगर वो कहे ना कि फांसी की सजा है तब भी वोट इमरान खान का। अगर फांसी की सजा मुकर्रर की जाए इमरान खान को वोट डालने पे तब भी डालेंगे? अभी तो कह रहे ना कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होना, वहाँ फिर भी जाएगी बल्ले का निशान खुद बना के, खुद ही मोहर लगाएंगे। वोट इमरान खान का, जैसे मर्जी हो आप देख सकते हैं, सर्वे देखे जिसका मर्जी उठाए, ये जो मर्जी कर लें, 16 जमातें क्या 25 जमातें भी हो जाएं। आपको मैं एक छोटी सी बात करूं, ये नून लीग सबसे पहले बात करती 2018 में कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के जोर पे है, जो सीधी बात है, इससे ही कहते हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के खिलाफ, सीधी बात है, अदालतें भी उसके खिलाफ, हर इदारा उसके खिलाफ। क्यों नहीं इलेक्शन करवाते, आए मैदान में कराए इलेक्शन? उन्हें पता है कुछ हो ही नहीं सकता, धांधली तक पे वो नहीं जीत सकते सर। इस टाइम बताया ना, ये नून लीग का नारा था कि जी खलाई मखलूक उसको लेके आई है, खलाई मखलूक लेके आई है, जी फलाना लेके आया, जी वो बाबा लेके आया, जज लेके आए, फलाना लेके आए, मान लिया। और यार इस टाइम तो हर चीज़ आपके साथ है, नज़र आ रहा आवाम को। पहले होता था भाई किसी को भी उठा लो तो अखवा भर है तवान होता था, आजकल भाई अखवा भर है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 महीना हो गया, मैं कहता हूँ कि सही बात है, हर जुमे को मजम्मत करनी चाहिए इनकी, कि देखें जिस बंदे पे भी केस चल रहा है आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो छूट के चला जाता है। और यार ये फिर किस चीज़ का 9 महीने, सिर्फ इमरान खान की हद तक है। वो बंदा अंदर बंद है, आप लोगों ने उस पर झूठे मुकदमे बना लिए भाई, 250 मुकदमे बना लिए। और मुझे तो ये टेंशन लगी थी पाकिस्तान लास्ट टाइम इंडिया से आ रहा है, कहीं उसका मुकदमा भी इमरान खान बना बना जितने को उन्होंने बना दिया। बाकी वोट खान साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो जो वोट खा गए
वो वापिस आ गए हैं, और जो एक मुसलमानों की बात कौमी मुद्दा मैं कह रहा था उसको अंदर कर दिया इन्होंने, देखें जरा। और रातों रात आ गया पी आई ए के जहाज में बैठ के, और इसहाक और बायोमेट्रिक भी उधर गई है। ये लोग इसहाक डार 5 साल बाद आया, उसने सैनिटर की भी तनख्वाहें ली है इनसे, ठीक है। गरीब अवाम इधर जूती पहनने के पैसे नहीं है, और इन लोगों को गैरत नहीं आती यार, ये डूब के मरते भी नहीं है दलील के बच्चे। पानी गंदा हो जाएगा सर, क्या मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें ये महंगाई मार सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, इसमें कई मेरा भाई नून लीग पे हुए हैं, अदर पार्टीज के भी होंगे, ये सारे आगे इकट्ठे होंगे जी हमने इमरान खान के खिलाफ महंगाई मार निकाला, पेट्रोल 150 रुपये लीटर है, ठीक हो गया। उस टाइम मैं भी थोड़ा बेजार हो कि यार वाकई इस बंदे से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन जब इस टाइम पर उस बंदे ने कोरोना में आके इस मुल्क को सर्वाइव किया है, ये लोग हैं इन्होंने 16 महीने में बींग जहरी बात, अगर ये माइक में हाथ में पकड़ लेता हूँ एक बात मैं पकड़ लेता हूँ फिर आप वहाँ में आप भी इस चीज़ को देखेंगे 16 महीनों ने मैं क्या हाल कर दिया इस मुल्क का, ठीक है, एंड कर दिया, हर बंदा थक गया इनसे। मैं कहता हूँ कि ये जो मर्जी कर दें ज़माने की इदारे खिलाफ हो जाए, वोट खान का है, इस टाइम जो खान के साथ खड़ा है उसको वोट मिलना, जो तना फवाद चौधरी को दलें तना क्या हो रहा है उसके साथ कोई मुँह नहीं लगा रहा, जो खान के साथ खड़ा वो चल रहा है, बस ये खंबा है। इमरान खान ने कहना वोट सर वोट मिल गया, वोट मिल गया, खंबा एमपी है मैंने बंद अखा बंद कर गया सर जी, पूछने की लोड भी नहीं। वोट किसका है? इमरान खान का, बच्चे बूढ़े सब नस्ल है इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। नाज़रीन किराम, बच्चे बूढ़े हर जनरेशन इमरान खान के साथ, सर वोट किसका है? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ, इमरान खान के अलावा कोई दूसरा नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, क्या बात है। आगे चलेंगे जी, आगे बात चलेंगे, जनाब आला वोट किसका है? नून लीग का, नून लीग का। वोट किसका है सर? 804, 804 क्या दी नंबर 804 इमरान अहमद खान ने, क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसका है? पीटीआई, कोई दूसरा सवाल ही नहीं, पीटीआई। सर वोट किसका? इमरान खान, इमरान अहमद खान ने आदि। नाज़रीन किराम आप सबके सामने जनाब वोट किसका? पीटीआई। वोट मुर्शद इमरान खान, मुर्शद इमरान खान। सर वोट किसका है? इमरान खान, क्या बात है। नाज़रीन किराम मुर्शद इमरान खान के वोट पड़ रहे हैं जी, आगे भी चलेंगे। मोहतरम हजूरे वाला इस वक्त वोट किसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका? इमरान खान का, इमरान अहमद खान ने आदि का। हाँ इंशाल्लाह, क्या बात है। आगे करेंगे, वोट किसका सर? नून लीग का, नून लीग का। इसलिए खामोश खड़े थे। नहीं क्यों खामोश? वोट किसका बेटा? इमरान खान। वोट किसका? इमरान खान, इमरान खान। कोई दूसरी बात ही नहीं, नहीं इमरान खान, नहीं नहीं इमरान खान। मोहतरम भाई मेरे वोट किसका सर? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट है। आप तारीख देखें, तारीख क्या देखें जनाब? तारीख देखें पिछले 20 साल की, और ये 3 साल की हिस्ट्री देखें, देख लेते बस। जो आप, मैं दिखाऊं आपको, आप खुद देखें कि मियां नवाज साहब 2013 में बने वजीर आजम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बने, 17 में उनकी हुकूमत गई जी। आप मुझे बताएं उस वक्त उन्होंने 2013 से लेकर 70 तक कितना कर्जा लिया? कितना कर्जा लिया उन्होंने? उन्होंने कर्जा लिया जब ये हुकूमत छोड़ के गए हैं ना, मुल्क के ऊपर 20% खर्चा था, 20% खर्चा भी। हाँ जी, 40 अरब लिया उन्होंने कर्जा। हाँ जी, ऐसी इमरान खान ने 2018 में हुकूमत संभाली जी, 2022 10 अरब ने हुकूमत गवा दी जी, ऐसी उस वक्त इमरान खान ने कर्जा कितना लिया? डबल कर दिया इसने, 27 अरब लिया जी। ज्यादा कर्जा किसने लिया? 40 और 27, कौन कौन सा नंबर दादा? बहुत अच्छी बात की है ये भाई, चार ऐसे काम बता दे नवाज शरीफ के जिसके अंदर सीमेंट रेत बिजली इस्तेमाल ना हो। बता दे चले आप 3 काम ऐसे बता दे। वो मियाँ साहब की अपनी बनती है रेट बिजली सन, ये नहीं कहा, पूछ रहे हैं आपने कह रहे हैं 3 साल गिनवाए, तो आप वो 3 काम गिनवाएं जिसमें सिमट सरिया बिजली समान। तो मुझे आप 3-3.5 साल में कोई एक काम दिखाएं जो खान साहब ने अच्छा किया हुआ। सेहत कार्ड, पनागाहें, लंगर खाने, पाकिस्तान में यूएनओ में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना, पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम चलाना, पाकिस्तान में गरीबों के लिए एहसास स्कॉलरशिप खोलना, पनागाहें निकालना, और बताएं। और 3.5-4 साल में सबसे ज्यादा काम बता दिया माने खान साहब ने क्या किया बताएं। 75 साल का निज़ाम है, 76 साल पाकिस्तान को हो गए हैं, 76 साल का निज़ाम आप 3 साल में किस तरह ठीक करेंगे मुझे नहीं समझ में आती। जितनी करप्शन आपने कर छोड़ी है, आपके ये अल्फाज है कि हम लोहे का चने, हमें कोई चुबा नहीं सकता, ये अल्फाज है आप लोगों के। अब आप ये कह रहे हैं कि जी इस तरह जिस तरह, जितने भी बड़े माफियाज हैं, जितने भी शुगर माफिया, सब माफिया, वो किसके हैं?
लैंड सबसे ज्यादा माफिया किसके हैं, इमरान खान को काम करने दिया ही नहीं गया शुरू दिन से। इतने लीम खान आपकी पार्टी में थे? बिल्कुल थे, लेकिन उनको हमें क्रेडिट नहीं किया। जब उन्होंने अपने मुफादात की बात की, इमरान खान ने कहा मेरा आपके साथ कट ऑफ है, आप एटीएम हो गए किसी का घर, किसी के घर पे होंगे। सुना कि जहांगीर तरीन से कोई फायदा नहीं लिया इमरान खान ने। मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं, मैंने आपको पहले बताया, ये भाई आगे बात कर रहे थे ना कि पेट भर के खाना नहीं खाया, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पेट भर के खाना खाया। ये सही बात कर रहे थे, नवाज शरीफ ने खत्मे नबूवत पर डाका मारा था, पूछे इनसे। मुमताज़ हुसैन कादरी को किसने फट्टे लगाया? सबसे पहले मेरी आवाम को पता ही नहीं है हमारा मुल्क ना नवाज शरीफ चला रहा है, ना जरदारी चला रहा है, ना इमरान खान चला रहा है। हम हैं बेवकूफ़, हम हैं बेवकूफ़, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने चले जाते हैं, एक दूसरे के घर की तरफ चले जाते हैं। इनको ये पूछे, इनको ये पता है कि इनका मुल्क कौन चला रहा है? आपको पता है? अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। अल्लाह की ज़ात बात करेंगे फिर जाएंगे, लास्ट बात करेंगे जाएंगे। आप अपने लीडर की कसम उठा के कह सकते हैं वो करप्ट नहीं है? मैं किसी लीडर की भी कसम नहीं उठाऊंगा सर। आप अपने लीडर की कसम उठा सकते हैं वो करप्ट नहीं है? मैं कसम भी खाता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे बेटे मिले, 10 मिले 10 इमरान खान जैसे हूँ, 10 से मिले 10 इमरान खान जैसे हूँ। फैसला हो गया, आगे चलते हैं। नाज़रीन किराम, मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ मुगल परे में और मुगल परे की आवाम का वाहिद फैसला इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान खान का सर्वे मैंने आपको बताया कि लोग इमरान खान को कह रहे हैं कि हम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। इमरान खान वाहिद उम्मीद नजर आ रही है, उन्होंने कहा कलमे की बुनियाद पे हम इमरान खान को देखना चाहते हैं। ये है जी इनकलाब, और इनकलाब आ चुका है। आगे चलेंगे गाजियाबाद की तरफ। पाकिस्तान जिंदा।